हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सकूडेंट्स टूडेज टॉपिक हरियाणा जीके तो स्टूडेंट्स मैंने अभी भी आपको बताया कि आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी हरियाणा जीके की क्लास है जो आपका जीके आपका हरियाणा की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो रिसेंटली जो आपका एग्जाम आ रहा है वो एस्टेट और ग्राम सचिव का रहा है तो ठीक है तो स्टूडेंट जो ये आज की जो क्लास है मैंने अभी भी, भी बोला तो हरियाणा जीके में जो एक स्टेटिक एक होती है आपकी करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स की क्लास में मैं शायद कल की क्लास में अपलोड कर दूंगी ओके okay, तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी हरियाणा स्ट्रेटिक जो जी की क्लास है वो है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप मैं इसकी क्या है ज्यादा क्वेश्चंस की जो सीरीज नहीं डालूंगी डेली ट्वेंटी या टेन क्वेश्चंस की ही एक सीरीज डालूंगी जिसमें आप इजीली क्या करो कि मैं एक क्या है कि आपको क्वेश्चन किस में दूंगी कि बच्चों को वैसे तो पता होता है लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने क्वेश्चन किस फॉर्मेट में डाला क्वेश्चन प्लस आपके आंसर तो अगर आपकी इसको मैं पीडीएफ भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो अदरवाइज आप क्या करोगे मैं बहुत जो कहते हैं ना स्लो स्लो आपको ईजिली आपको क्या है ऑप्शन यहाँ पे मैंने एक डाक में अपलोड किए हुए हैं मार्क किए हुए हैं तो आप वहां से भी देख सकते हो ओके okay. तो स्टूडेंट्स टूडे नाउ स्टार्ट द क्लास क्वेश्चन नंबर वन है सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन है रोहतक सेकेंड है फरीदाबाद थर्ड है यमुनानगर एंड फोर्थ है पानीपत तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस को डा किया हुआ है तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे क्या रहा है यमुना नगर तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर टू है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिलों में अनु, जिले में अनोमिया प्लांट स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन है जिला पानीपत सेकेंड जिला करनाल थर्ड जिला गुरुग्राम फोर्थ है कैथल ओके तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पानी पर तो प्लीज आप इस वीडियो को आराम से देखो कि दिस इज दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा ठीक आएगा। है तो क्वेश्चन नंबर थ्री है और हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था तो ऑप्शन नंबर वन है वर्ष 1980 में ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1981 में ऑप्शन नंबर थ्री है वर्ष 1985 में ऑप्शन नंबर थ्री डी है, है वर्ष उन्नीस में, में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वर्ष उन्नीस में तो हरियाणा सरकार ने जो स्वतंत्र सेनानियों स्वतंत्र सेनानियों क्या होते हैं कि जो इंडिपेंडेंस के दौरान जो लड़ाई लड़ी थी उसमें जो अभी तक हैं तो उनको क्या है सम्मानित मतलब कि उनको पुरस्कार दिया गया था तो वो कब गया था उन्नीस सौ की उस टाइम से निर्णय निर्णय मतलब डिसीजन लिया गया कब से उन्नीस सौ इक्यासी से ठीक है आपको क्वेश्चन नंबर फोर आ जाएगा हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत प्रथम किस शहर में हुई मतलब कहे तो रैपिड मेट्रो कहाँ चली आपकी फरीदाबाद में सोनीपत में पानीपत और फोर्थ ऑप्शन है आपका गुरु ग्राम या फिर गुड़गावा क्योंकि अभी गुड़गांव ही नाम था उसको नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है गुरुग्राम तो आपका रैपिड मेट्रो है वो स्टूडेंट्स कहाँ पे चलिए गुरुग्राम में चलिए डीएलएफ साइड में चलिए ओके और अगर मेट्रो आ जाए ये हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो देखो रैपिड मेट्रो अलग है स्टूडेंट्स मैं अभी बता रही हूँ आपको और मेट्रो अलग है ठीक है तो जो रैपिड मेट्रो है वो खाली एक गुड़गावा की गुड़गांव में ही सिटी के अंदर है लेकिन अगर मेट्रो है तो मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी क्या है गुड़गांव से दिल्ली तक है उसको जो गुड़गांव से जो दिल्ली तक है उसमें जो लाइन है वो क्या है येलो लाइन है और ये कब स्टार्ट हुई थी मेट्रो आपकी टू में कब डेट आपको मैं बता रही हूँ दोबारा से इक्कीस जून दो ठीक है तो आपकी रैपिड मेट्रो भी आपकी कब स्टार्ट हुई है गुड़गांव में नॉर्मल मैटो भी आपके गुड़गांव में हुई थी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन है हिसार दूसरा है आपका फरीदाबाद तीसरा है जीन चौथा है आपका कैथर तो ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर कि ताप बिजली घर कहाँ पे स्थित है हिसार क्वेश्चन नंबर सिक्स हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली घर पहुंचाने का कार्य कब का पूर्ण किया गया कि नंबर एक है दस जून उन्नीस को ऑप्शन बी है उनतीस नवंबर 1970 को ऑप्शन नंबर तीन है पंद्रह अप्रैल उन्नीस को ऑप्शन नंबर चार है पच्चीस मार्च उन्नीस को तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा पूरा भारत का ऐसा पहला राज्य बना था कि 29 नवंबर 1970 को पूरे जो कितना हरियाणा के हर गांव में बिजली है आज फ्रेंड्स है कि ये 1970 में और आज आपका क्या है 2020 चल रहा है कि जबकि 2020 में भी आपके इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आपको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की गई है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है ऑप्शन नंबर वन है पानीपत सेकंड है आपका अंबाला ऑप्शन नंबर थ्री है करनाल और ऑप्शन नंबर फोर है आपका कैथल तो गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है आपके कैथल में क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट है स्टूडेंट्स पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है तो नंबर एक पे आपका आ जाएगा बल्लभगढ़ में पलवल में होडल में और तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका कहाँ पे स्थित है पलवल में नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन है यमुनानगर ऑप्शन नंबर टू है भिवानी में ऑप्शन नंबर थ्री है कुरुक्षेत्र में और ऑप्शन नंबर फोर है कैथल में तो ऑप्शन नंबर थ्री इज योर करेक्ट आंसर कुरुक्षेत्र में राजगढ़ गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है कुरुक्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू है ज्योतिसर सरोवर ऑप्शन नंबर थ्री है प्राचीन तीर्थ और ऑप्शन नंबर फोर है कमलनाथ तीर्थ तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिसर सरोवर ठीक है इलेवन क्वेश्चन है जिला पलवल होडल में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका रामसराय चौथा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पंचवटी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कलेश्वर बट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सत सती का स्थान तो क्वेश्चन नंबर देखो दोबारा फिर से मैं कर रही हूँ कि जिला पलवल में होडल स्थित निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है तो कौन सा हो जाएगा सती का स्थान क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है कलेश्वर तीर्थ स्थल कुबेर दोषी तीर्थ स्थल और प्राची तो कौन सा स्थित नहीं है स्टूडेंट्स ये आपका दोषी तीर्थ स्थल है ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है बाकी आपका कलेश्वर कुबेर और प्राची तीर्थ स्थल आपके कहा पे है कुरुक्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो विश्वविद्यालय मतलब कि आपको सबको पता है यूनिवर्सिटी होती है तो ऑप्शन नंबर वन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सॉरी कुरुक्षेत्र दूसरे पे है आपका सिरसा तीसरे पे आपका रोहतक चौथे पे आपका हिसार तो कुरुक्षेत्र में आपके ऑलरेडी सबको पता है कि आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अलग है ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी सी में भी क्या है आपको रोहतक जो यूनिवर्सिटी है वो अलग है हिसार में गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी है और सिरसा में कौन सी है चौधरी देवीलाल और चौधरी देवीलाल जी थे वो सिरसा ही से जो थे बिलोंग करते थे ओके तो ऑप्शन नंबर बी है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है आपका सिरसा में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किस भाषा को किस स्थान पर रखा गया है तो ऑप्शन नंबर वन है प्रथम ऑप्शन नंबर बी है चतुर्थीय मतलब चौथा नेक्स्ट ऑप्शन आपका तृतीय और नेक्स्ट ऑप्शन आपका द्वितीय तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर कि क्या हो रहा है डी में करेक्ट आंसर में कि जो हरियाणा हरियाणा में जो पंजाबी भाषा को क्या किया गया है आपका जो सेकेंड लैंग्वेज जो रखा गया है वो क्या रखा गया है उसको कि सबसे ज्यादा आपको पंजाबी को दर्जा दिया जाए हरियाणवी के बाद क्योंकि पहले तो आपको सबको पता है हरियाणवी है ठीक है क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह है हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो पहली आ जाएगी झज्जर दूसरी आ जाएगी पलवल तीसरी आ जाएगी आपके रोहतक चौथी आ जाएगी आपके गुरुग्राम तो गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर सबसे अधिक साक्षरता दर है वो भी गुरुग्राम में आएगी लेकिन और अगर आपकी ये आ जाएगी महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस में है तो किस में आएगी गुरुग्राम में और अगर पुरुष साक्षरता दर आ जाती है तो वो आपकी कहां पे आएगी रेवाड़ी में ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना सबसे ज्यादा आ जाती है आपकी गुरुग्राम में और महिला साक्षरता दश भी गुरुग्राम में ही है लेकिन पुरुष साक्षरता दश कहाँ पे है रेवाड़ी में ठीक है और सबसे कम आपके कहा जाती है पलवल नू no. पलवल में आ जाती है सबसे कम पे आती है पलवल में या फिर आपका जो मेवा क्योंकि पलवल एक मेवाती इलाका है वहां पे मेवात में सबसे कम आती है ठीक है नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर सोलह हरियाणा में कांग्रेस की सवर्ण जयंती कब मनाई गई थी तो ऑप्शन नंबर वन है अठारह अगस्त 1930 को ऑप्शन नंबर बी है 28 दिसंबर 1935 को ऑप्शन नंबर सी है दस दिसंबर 1936 को ऑप्शन नंबर डी है तीस जनवरी 1935 को तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1935 को नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17 मुगल कालीन माटिया किला हरियाणा में कहां पे स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा होडल टू पे फरीदाबाद थर्ड पे पलवल फोर्थ पे बल्लभगढ़ तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फरीदाबाद नेक्स्ट होगा फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर तीन सौ वर्ष की पुरानी एक सराय स्थित है जो जौनपुर बल्लभगढ़ हतीन और गांव सराय खब्जा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गांव खब्जा ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास तो ये क्या हो जाएगा श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन है पानीपत में दूसरा आपका फरीदाबाद में ऑप्शन नंबर थ्री है आपका कुरुक्षेत्र में और ऑप्शन नंबर फोर था आपका रोहतक में तो so, श्री कृष्ण संग्रहालय ये, ये आपका कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स ये आपका कहाँ पे आ जाएगा कुरुक्षेत्र में तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस जब मैंने आपको हरियाणा जी के कराए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी लाइक वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जल्दी मैं आपको बताया कि स्टूडेंट्स मैं आपको करंट अफेयर्स की हरियाणा की ही वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि आपके हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने आपका ग्राम सचिव का पेपर भी अनाउंसमेंट कर दिया है चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का पेपर भी अनाउंसमेंट कर दिया है और आपका क्या है एस्टेट भी हो रहा है तो जो आपका ग्राम सचिव का पेपर है वो ट्वेंटी सेवन दिसंबर का अनाउंसमेंट है आपका का का अनाउंसमेंट है और 17 जैन का आपका क्या है वो मैंने डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है तो अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।, nice वीडियो में हम फिर से मिलते हैं ओके बाय